हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विज फूड इंडिया में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है हमारी अरहर की दाल। फ्रेंड्स, इसको आज हम देसी तरीके में बनाएंगे। इसको हम कंडे में बनाएंगे, जो उपला बोलते हैं जिसे, उस कंडे पे ये दाल बनाएंगे। और ये दाल बहुत ही सौंधी दाल बनती है, तो इसके लिए इसमें हमने 100 ग्राम अरहर की दाल लिया है, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं, और 50 ग्राम इसमें चने की दाल लिया है, और ये एक टमाटर हमने काट लिया है, और ये एक प्याज हमने काटा है, और 3-4 हरी मिर्च हमने काट लिया है। ये सब चीज़ें आप इसको दाल में हम डालेंगे, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। यहीं पे हमने 2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, केवल 2 छोटी कटोरी हमें पानी डालना है। अब ये हमने प्रेशर कुकर को बंद करके इसको जो है, अब इसको कंडे की आंच पे चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा कंडे की आंच तैयार हो गई है। अब इस पे ही हम दाल को चढ़ाएंगे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये हमने बाटी बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं किया कुछ कारण की वजह से। नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगा। और ये हमारी आंच, कंडे की आंच, इस पे जो दाल का टेस्ट आता है वो यकीनन बहुत ही लाजवाब आता है। तो अब हम प्रेशर कुकर को इस पे चढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने प्रेशर कुकर को इस पे चढ़ा दिया है और ये लगभग 3 सीटी तक इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, दाल हमारी 3 सीटी में ये कंडीशन है। इसमें हमने 2 कटोरी और पानी मिला दिया है और इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे, ऐसे खुले ही पकाएंगे। इसको थोड़ा सा और गलाना है, तो अब सीटी हम नहीं लगाएंगे, इसको चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। 10 मिनट हमें पकाना है। फ्रेंड्स, दाल हमारी लगभग पक चुकी है। इसको हमने 10 से 12 मिनट तक पकाया है। बहुत ज़्यादा इसे हमें गलाना भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का खड़ा दाल होना चाहिए। उसका टेस्ट जो आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो दाल हमारी पक चुकी है, अब इसको हम चूल्हे से उतार देंगे और इसमें तड़के की हम तैयारी करेंगे। देखिए, इस ऐसी ये हमारा दाल बहुत ही अच्छा गल चुका है और इसी टाइम पे हमें इसको उतार देना है। फ्रेंड्स, ये दाल हमारी बन के पूरी तैयार है। अब इसका तड़का हम लगाएंगे। तड़के के लिए हमने 1 चम्मच है, इसको हम गरम कर रहे हैं। पूरा देसी तरीके से ही करेंगे, कोई शो ऑफ नहीं है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला है और 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब इसको हम आग पे ऐसे गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे। ये देखिए, अदरक हमने थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। इसमें हमने एक लाल मिर्च खड़ी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और ये तड़का हमारा बहुत तैयार हो चुका है। अब इसको जो है, हम लाल मिर्च जब डाल देंगे तो इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको तुरंत हम दाल में डाल देंगे, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा भूनने से जल जाता है।
तो इसको तुरंत हम दाल में डाल। ये देखिए दाल में तड़का लगा है फ्रेंड्स, तड़का हमारा लग चुका है। आप देखिए बहुत ही गजब का इसका कलर और टेस्ट, खुशबू तो एकदम लाजवाब है। एक कंडे की दाल है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए, इंजॉय करिए। ये देखिए, ये देखिए, अब इसी में थोड़ा सा हम हरी धनिया डाल देंगे और इसको एक बार चला देंगे। आइए अब इसको जो है हम थोड़ा सा सर्व करते हैं और आपको दिखा। ये दाल को हमने सर्व कर दिया है, बहुत ही लाजवाब। फ्रेंड्स इसको एक बार आप बनाइए और इसका टेस्ट आप इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा बनता है। तब तक के लिए आपके लिए ये दाल आप ज़रूर बनाइए, और आपसे मैं आज के लिए विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक तभी करिएगा जब मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना जो है प्यार लाइक के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।